वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। योम कुद्स के बारे में एक बात करनी थी। ये योम कुद्स क्या है, इस हवाले से शिया हज़रात का क्या मौक़िफ़ है? तो पहली बात तो ये है कि ये योम कुद्स हज़रत आयतुल्ला इमाम खुमैनी रज़वानुल्लाह ताला अन्हुम ने इसके मनाने की तशकील दी थी। इन्होंने फरमाया था कि माह रमज़ान में आखिरी जो जुमा है उसको जुमतुल विदा जो कहा जाता है, इसको यौमुल कुद्स के नाम से मनाया जाए और हर मुसलमान का हक बनता है कि इस दिन निकले और जुल्म जो हो रहे हैं शीयत के ख़िलाफ़ या किसी और मुसलमान भाई के साथ जो भी जुल्म हो, हर तरह की बराबरी करना, इसको दूर करना शिया हजरात का और सब मुसलमानों का हक बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखा गया है उनके पाकिस्तान में अच्छे लोगों ने अच्छे काम किए और इन जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, मुख्तलिफ तरीक़ों से आवाज़ उठाई, मजालस में आवाज़ उठाई, या ये कहा जाए इसके कहने में कोई मुबालगा रही नहीं है कि उन्होंने अपने वीडियो क्लिप जारी किए, जुम्मा के खुतबात में उन्होंने बातें की के यौम खुद के बारे में क्या मौका फ़िया हज़रात का, और इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अन्हुम ने भी ये बात कही थी कि हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि एक एक बाल्टी अगर हम इसराइल पर अमेरिका पर रट दें तो इंशाल्लाह अमेरिका खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इसी वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, ये एक थोड़ी सी बात आपको बतानी थी क्योंकि हर मौजू पर हर हालात हज़रा पर ये बातें करनी ज़रूर समझता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।